किसी शख्स ने बहुत पहले कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते, किसी तो वो शायद इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि ना ये पढ़े लिखे ना ये, भाई आप नहीं पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर लेना, आप किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठ तो सकते हैं, उससे पूछ तो सकते हैं। जैसे हमने आप दोनों को बुला लिया कि बताइए होता क्या है हमें। अब आपने जो YouTube के हवाले से क्वेश्चन किया तो मैं आपको 70-80% अमाउंट बता रहा हूँ जो इस मंथ मेरी कम आनी है। रेगुलर मेरी जो इनकम आती है Facebook और YouTube से, सोशल मीडिया से, उसकी रीजन सिर्फ यही है कि जब इंटरनेट ही नहीं है लोगों के पास तो लोग देख नहीं पा रहे तो व्यूज नहीं आ रहे। आप कोई एग्जैक्ट चले अमाउंट तो नहीं पूछते, कोई अंदाजन बता सकते हैं कि पहले आप माशाल्लाह एक महीने की इनकम से कौन सी कितनी गाड़ियां ले सकते थे जो अब वो आपको नहीं पता, आपको नहीं पता मर्द से उसकी सैलरी और औरत से। मैंने सैलरी पूछी नहीं, मैंने सैलरी नहीं पूछी। एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा उसमें कॉस्ट वगैरह भी थे लेकिन एवरेज $8-10 आ जाता है Facebook और YouTube से मिला। फाइवर ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ नीचे, जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हैं, इनके साथ काम करने से परहेज करें। अल्लाह, टेंपरेरी जो है वो उन्होंने को बैन किया। इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपके क्लाइंट्स भाग गए आपसे। अब लोग बाहर के लोग बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं इस दौर में ऐसा भी मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट का मसला होता है। जी होता है। अब उन्हें हम कैसे समझाएं कि भाई ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो जाता है। बड़े खास मेहमान है, वैसे तो डिजिटल मीडिया पे आप इन्हें देखते रहते हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं हाफिज अहमद साहब। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच हाफिज साहब। मेरा मैं सवाल तो अजीम ने करना, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि ये जो मुरम्मत के मामलात है ये सिर्फ पाकिस्तानी। अच्छा, यही मैं सोच रहा था कि जब आप सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, आपने खुद ही ये बात ऐड कर दी कि सब मेरी सारी दुनिया में आना जाना होता है। पूरी दुनिया की जो मछलियाँ हैं ना वो इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार है कि वो इंटरनेट में खराबी पैदा लेकिन पाकिस्तान वाली तार खा जाती हैं। पाकिस्तान वालियों को पता नहीं क्या मसला है, तो मेरे ख्याल है ये PTA का मसला नहीं है, ये हमारे कुछ मुजाकरात अब डायरेक्ट हमें मछलियों से करने मछलियों से करने पड़े। पाकिस्तान की जान छोड़ दो, देखे कराची से 2 घंटे के फासले पे दुबई है, वहां पे मछलियां मसला नहीं करती नहीं, इतनी वो सियाणी पंजाबी में कहते हैं यहाँ यहाँ इस लाइन से इधर इधर करके उस लाइन से जरा सा उधर नहीं करती। तो यहाँ पे आप तो खुद डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं और आप डिजिटल मीडिया से आपका भी जो रोजगार है मुंसलिक है, और कई पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनका इंटरनेट से रोजगार मुंसलिक है। सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को और हमें भी ये बताएं कि सिचुएशन कितनी इंटेंस है। देखिए सिचुएशन में ना दो तरह की चीज़ें, एक वो फ्रीलांसर है या वो सॉफ्टवेयर हाउस है जिनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कोई ऐप्स बनानी है, कोई वेबसाइट बनानी है, उन्होंने 3-4 महीने 5 महीने में कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। सही। और एक वो फ्रीलांसर है जिसने डेली दिहाड़ीदार मजदूर, जिसकी डेली की डेडलाइन, जिसकी डेली का उसने आज गया अपवर्क फाइवर पे बैठा, उसे किसी ने कहा कि जी मेरा लोगो डिजाइन कर दो, किसी ने कहा जी मेरे लिए छोटी सी वेबसाइट बना दो, किसी ने कहा जी मेरी ये वीडियो एडिट कर दो। अब ये छोटे छोटे काम है जिसने डेली बेसिस पे करने हैं सबसे ज्यादा वो अफेक्ट हुआ है, और ये वो फ्रीलांसर है जो अपनी जॉब्स वगैरह छोड़ चुका है, वो सब कुछ इसी पे रिलाई कर रहा है। बिजली के बिल देने के उसके पास पैसे नहीं है, उनके पास घर के राशन के लिए पैसे नहीं है। ये आम फ्रीलांसर जो महीने का 2-3 लाख रुपए कमाता है, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये दो चीजें होंगी। फिर एक चीज जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बदनामी हो रही है, अपवर्क और फाइवर जो बड़ी वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की, फाइवर ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया हुआ नीचे, जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हैं, इनके साथ काम करने से परहेज करें। अल्लाह, टेंपरेरी जो है वो उन्होंने को बैन किया। इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपके क्लाइंट्स भाग गए आपसे। अब लोग बाहर के लोग बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं इस दौर में ऐसा भी मुल्क है जहाँ पे इंटरनेट का मसला होता है। जी होता है। अब उन्हें हम कैसे समझाएं कि भाई ये यहाँ पे होता है, यहाँ पे हो जाता है, लेकिन कोई सलूशन नहीं। लेकिन हाफिज साहब, आपकी और जो कम्युनिटी है जिनका ताल्लुक है, जो और डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ को बात हुई हो, को पता चल सके, को डायग्नोज हो चुका हो कि मसला है क्या एक्चुअली में, VPN है, फायरवॉल है, नहीं मसले का कुछ पता नहीं। पिछले दिनों भी हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने इस पे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी मिलते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लोग कहते हैं जी, मुझे किसी ने कहा कि जी गवर्नमेंट को भी परेशानी है। मैंने कहा यार उस बंदे को कैसे परेशानी हो सकती है जिसने जिंदगी भर मेहनत करके कुछ कमाया नहीं है, वो कैसे सोच सकता है कि गरीब को कोई मसला होगा। जिसको इंटरनेट ने, जिसने इंटरनेट पर सिर्फ वीडियोज देखनी है और VPN लगा के ट्वीट करने हैं, उसको क्या पता फ्रीलांसिंग क्या होती है। ये मसला तो हलाल कमाने वालों का है, जिनके पास करप्शन के और कमीशन के पैसे आने हैं, ठीक है, उनको तो कोई मसला नहीं है, उनके पास तो हर तरफ से आ रहा है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की आपने हाफिज साहब। हाफिज अहमद साहब, अभी हम हमसाए मुल्क की मिसाल ले लें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दुनिया में वो ममालिक जो सबसे ज्यादा IT एक्सपोर्ट करते हैं उनमें एक है भारत, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरबों रुपया वो लोग कमाते हैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, हमारे यंग स्टूडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, उनमें इतना टैलेंट है। जब ऐसी सूरत हाल रहेगी तो फिर क्या वो बाहर जाने पर मजबूर हो जाएंगे, आपका बिज़नेस बाहर मुंतकिल होगा? बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, मैं अपने सर्कल में बहुत से लोगों को जानता हूँ, और बहुत से ऐसे हैं जो हो रहे हैं।
अच्छा हमारे यहाँ पे जब प्रॉब्लम होती है तो तब पता नहीं क्यों बाहर ज्यादा सहूलतें पैदा हो जाती है, वैसे भी होती हैं। अब दुबई है, मलेशिया है, वो लोग ऐसे फ्रीलांसर वीजा ऑफर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने हमें कोई टैक्स नहीं देना, बस आप जो पैसा कमाते हैं वो हमारे बैंक में लैंड करवाएं, यहाँ रहें, खाएं पिए, अपने मजे करें, जीरो टैक्सेस। अब मुझे बताएं फ्रीलांसर यहाँ से क्यों नहीं जाएगा, और बाहर जाने से जब उसके ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे, देखें पाकिस्तान में आपके पास एक लिमिटेड एक्सेस है ना, इंटरनेट के एक्सेस ही नहीं है, वहाँ पे आपको दुबई में यूरोपियन क्लाइंट मिलता है, इंडियन मिलता है, और एक दूसरे के साथ लोग मिलकर काम करते हैं, तो बिजनेस आपका मजीद ग्रो करता है। बहुत से लोग यहाँ से जा चुके हैं। एक थोड़ा सा इशू था पेपाल का, आपको याद है हमने उसके बाद भी की थी कि हमारी ये डिमांड थी कि पेपाल लाया जाए, लेकिन अल्लाह का वास्ते हमारे हमें पेपाल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंटरनेट दे दे, हम पेपाल के बगैर भी चल लेंगे, बिल्कुल पेपाल नहीं चाहिए, हमारी गलती थी, वो हमने डिमांड की, हम अपनी गलती पे माफी मांगते हैं, हमें सिर्फ इंटरनेट दे दें, हम सारे टूल्स खुद ही चला लेंगे। ये आवाज है ना, ये दिल से निकली है, और ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल की आवाज है, जो इंटरनेट पे काम कर रहे हैं वो, जो इंटरनेट पर स्टडी कर रहे हैं वो, और जो लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं उनका भी बड़ा मसला हो रहा है। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि यूट्यूबर्स, आप भी यूट्यूब पे काम करते हैं, यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा कमा रहे हैं, अच्छी बात है, पाकिस्तान में ही पैसा आ रहा है ना किसी ना किसी तरीके से, डॉलर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो यूट्यूबर्स को भी नुकसान हुआ इससे? बहुत सारा हुआ, बल्कि मैं मलिक साहब की एक बात से ना, मुझे एक बात याद आ गई, उन्होंने कहा ना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, तो किसी शख्स ने बहुत पहले कहा था कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते, किसी तो शख्स ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि ना ये पढ़े लिखे हैं ना ये, भाई आप नहीं पढ़े लिखे तो कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर लें ना, आप किसी पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठ तो सकते हैं, उससे पूछ तो सकते हैं, जैसे हमने आप दोनों को बुला लिया कि बताइए होता क्या है हमें। अब आपने जो YouTube के हवाले से क्वेश्चन किया, तो मैं आपको 70-80% अमाउंट बता रहा हूँ जो इस मंथ मेरी कम आनी है, रेगुलर मेरी जो इनकम आती है Facebook और YouTube से, सोशल मीडिया से, उसकी रीजन सिर्फ यही है कि जब इंटरनेट ही नहीं है लोगों के पास, तो लोग देख नहीं पा रहे, तो व्यूज नहीं आ रहे। आप कोई एग्जैक्ट चले अमाउंट तो नहीं पूछते, कोई अंदाजन बता सकते हैं कि पहले आप माशाल्लाह एक महीने की इनकम से कौन सी कितनी गाड़ियां ले सकते थे जो अब आपको नहीं पता मर्द से उसकी सैलरी और औरत से मैंने सैलरी पूछी एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कॉस्ट वगैरह भी थे, लेकिन एवरेज $8-10 आ जाता है फेसबुक और यूट्यूब से मिला, लेकिन इस महीने $2,000 भी नहीं आएगा, यानी जो अगस्त की पेमेंट आएगी ना अभी बाद में, व्यूज ही नहीं आए तो पैसे किधर से बनेंगे, तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। अच्छा इसमें खर्चे भी होते हैं, सारा प्रॉफिट नहीं। आप सही कह रहे हैं हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है बड़ी, ऑल दो के थोड़ी हंसी आ जाती है हमें लाइटर नोट पे जब हम बात करते हैं, लेकिन ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है, ये बताइएगा कि कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप तो आपका तो यकीनन ऐसी सूरत हाल से सामना रहा होगा कि जब आप कोई गैर मुल्की प्रोजेक्ट पकड़ते हैं और जब उन्हें ये पता चलता है कि आप पाकिस्तान में बैठकर डील कर रहे हैं, तब उसका बिहेवियर क्या है उस एम्प्लॉयर का या उस बंदे का जिसने कारोबार देना है, और जब आप उसे किसी और मुल्क का बताते हैं कि आप फॉर एग्जांपल दुबई में हैं कहीं और हैं, तब उसका बिहेवियर क्या है? ये डेफिनेटली फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है आप एक पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान से हो तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक पता नहीं क्यों एक नेचर बन चुकी है लोगों की कि जब आप बताएं ना दुबई में सॉफ्टवेयर हाउस है या मेरा सिस्टम दुबई में है, मेरा सेटअप दुबई में है, उससे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा इसमें हम थोड़ा सा इस बात से हटके एक मैं उस बंदे की बात कर लूँ जो एक डेली के पैसे कमाता है, उस बंदे के पास, उन फ्रीलांसर्स के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, उनके पास माँ बाप की दवाई लेने के पैसे नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स जो भी ये कर रहा है, जो भी सिस्टम से ये चल रहा है, उनको कहीं ना कहीं तो पे ऑफ करना पड़ेगा ना, अल्लाह की तरफ से करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। कि आप देखें जिस बंदे को, यानी हमने मुश्किल से लोगों को लगाया, लोग आज भी ऑनलाइन इनकम को फ्रॉड समझते हैं, मुश्किल से उन्हें लगाया कि भाई ये सच है, तुमने वेबसाइट बनानी है, तुमने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, तुमने वीडियो एडिटिंग करनी है, काम करना है, काम करके डिलीवर करना है बाहर के क्लाइंट को, उसने तुम्हें डॉलर्स में पे करना है, जब डॉलर्स में आएंगे मुल्क का फायदा तुम्हारा फायदा। अब वो अपनी जॉब वगैरह छोड़ के बहुत से लोग फ्रीलांसिंग में आ गए, $1,000-1,500, मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, बड़े फ्रीलांसर्स की बात नहीं कर रहा, जो 1,000-1,500 कमा रहा है वो 3-4-5 लाख। मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा था कि बात पाकिस्तान या दुबई की नहीं है, बात वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की है कि किस पॉलिटिकल सिस्टम पे कोई कितना रिलाय कर रहा है। सवाल ये है कि अब इसका हल क्या है, मसाइल को तो हमने बात कर ली उस पर कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हैं पाकिस्तानी आवाम के लिए, खासतौर पर फ्रीलांसर्स के लिए बड़ा नुकसान है सारे मामले का, तो इसका कोई हल है आपके पास? मेरे पास इसके ये हल है कि पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, जो सिस्टम में बैठे हों, जिन्हें प्रॉब्लम का पता हो, सबसे पहले हमने यहाँ पे बंदे रिप्लेस करने हैं, यानी हमारी आईटी में या हमारे जो वजारतें हैं वहाँ पे वो लोग बैठे हैं जिनको परवाह नहीं है, जिनको पता नहीं है, तो वो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो जब कोई पढ़ा लिखा बंदा वहाँ पे बैठा होगा, जिसने कभी फ्रीलांसिंग की होगी, जिसने कभी मेहनत करके पैसे कमाए होंगे ज़िंदगी में, तो उसको पता होगा, फिर कोई सोल्यूशन निकलेगा। तो सबसे पहले साहब उसको घर से तो ढूंढ के लेके आ नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा कोई एक्सपर्ट है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो फिर उस सीट पे आएगा, वो तो फ्रीलांसिंग कर रहा है, आपके ख्याल में जो बैठे हुए इलेक्शन लड़के आए हैं, वाह जी वाह क्या बात, मेरा पूरा भरोसा है जी मेरा कि
इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी को, गहरी बात कर दी आपने हाफिज साहब। आपके पास कोई है अंदर की खबर? मेरे पास तो कोई खबर नहीं है, मैंने यहाँ से निकल के घर जाना है। हाफिज साहब आप यही सेम सवाल आपसे, क्या कोई आवाज उठाने वाला नहीं है? एक तो मलिक साहब ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, आवाज़ शायद उस लेवल पे हमने नहीं उठाया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिस तरह ताजर इकट्ठे होकर कर रहे हैं, तो बल्कि हम इसके बाद आपस में रब्ता करते हैं, काफ़ी सारे लोग सॉफ्टवेयर के इकट्ठे होकर, आईटी के, ई कॉमर्स के इकट्ठे होकर कोई प्लेटफॉर्म पे कोई मिल के आवाज़ उठाते हैं, शायद कोई असर कर जाए। लेकिन वैसे आपको पता है कि इस मुल्क में रियलिस्टिक बात करें तो आवाज़ें असर नहीं करती, ये जब उनको खुद ही उन्होंने कुछ किया तो करें। सॉरी मैं सिर्फ हाफिज साहब की बात में एक बात ऐड करना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री ने आवाज़ नहीं उठाई। जी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और सब अपनी अपनी कैपेसिटी में लड़ाई कर रहे हैं जहां जहां कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मोबिलाइजेशन की और उस तरह से